जो लय मतलब एक होती है ना बीट, जो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये यहाँ पर थोड़ी चेंज होनी चाहिए, तो मैं बजा के दिखा देता हूँ कि यार किस तरीके से हो जाए, तो ये फॉर्म उसको जो है वो कर लेते हैं। बाकी रिहर्सल करने का मकसद ये होता है कि दो चार दफा जब हम उसको रिहर्सल करते हैं, हमें पता होता है कि हाँ भाई यहाँ पर क्या करना है, तो वो दोनों देखने बहती हैं। चंगा लगदा अली वाला, चंगा लगदा अली वाला, चंगा लगदा अली वाला, चंगा लगदा अली वाला। किस मैदान के अंदर जा, सुन ले नहीं हो पहले थोड़ी सी आपको डिटेल दे दूं। डिटेल ये है कि एक तो ये वीडियो रेंडमली बनी है, दूसरी बात ये है क्योंकि माइक नहीं लगाया गया, सिंपल मोबाइल को सामने रखा गया गिम्बल पर और वीडियो बनाई गई है। तीसरी चीज़ जो गलती की वो गलती ये की है, छोटी सी गलती, इतनी बड़ी गलती नहीं है लेकिन मैं उसको गलती मानूँ क्योंकि मुझे वो आवाज़ उस तरह नहीं लगी जो कि असल में रियल में थी। हम लोग जिस कमरे में बैठे हुए थे तो वो कमरा टोटली खाली था, और आप जानते हैं जब कोई खाली कमरा हो, कोई स्टोर हो, कोई कमरा हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो वहाँ पर आवाज़ गूंजती है। तो वहाँ पर अगर पढ़ने वाला अकेला हो तो आवाज़ जज करती है, बिल्कुल प्यारी लगती है आवाज़ जब आप पढ़ रहे हो, लेकिन अगर साथ में दफ़ हो और इस तरह का हॉल टाइप नुमा एक चीज़ हो तो वो दफ़ की आवाज़ जो है वो मैच नहीं कर पाती है। तो ये छोटी सी गलती थी, तो इसको आपने नज़रअंदाज करना है। आप इसको सिर्फ ऐसे ही सुने कि एक मैं आपको अपनी YouTube फैमिली मानता हूँ, तो फैमिली के सामने इंसान वैसा ही होता है जैसे वो घर में होता है, और उसका कोई वो बन सवर के नहीं रहता, अपना कोई इतना ख्याल नहीं रखता कि जी मैंने अपने जी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो लगानी है तो मुझे बड़ा एक तरतीब से बड़े ध्यान से रहना होगा, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं। तो आपने इसको वीडियो को अच्छे वे में सुनना है। क्योंकि आज हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं, और मेरे साथ जो दब पर है वो है रमजान जानू। इनको इनके जो निकनेम है, जो लोग इनको जानते हैं लोग, वो जानू के नाम से जानते हैं, इनको साथ जानू कहा जाता है। तो इनका भी यूट्यूब चैनल है जानू स्टूडियो के नाम से, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपने जरूर जाकर उसका विजिट करना, सब्सक्राइब भी ना करना। तो आज जो हम लोग रिहर्सल कैसे करते हैं, उससे सवाल आते हैं कि आप जब नाम पढ़ते हैं तो उसके लिए आपके रिहर्सल होते हैं, तो हाँ जी रिहर्सल होती है, हर चीज़ के लिए रिहर्सल होना जरूरी है। तो आज हम रिहर्सल करने के लिए बैठे हैं, तो हमने सोचा कि हम रिहर्सल जो कर रहे हैं वो आपके साथ भी शेयर करें कि हम कैसे रिहर्सल करते हैं, किन चीज़ों को गलतियों को दूर करते हैं, बार बार क्या रिपीट करते हैं, तो सारा कुछ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सही है।
एक रिदम चेंज करके दस चाह असी चाह लैन तो बात बात ऐसा होता है कि जो लय मतलब एक होती है ना बीट जो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये यहाँ पर थोड़ी चेंज होनी चाहिए तो मैं बजा के दिखा देता हूँ कि यार किस तरीके से हो जाए तो ये फौरन उसको जो है वो कर लेते हैं। और बाकी रिहर्सल करने का मकसद ये होता है कि दो चार दफ़ा जब हम उसको रिहर्सल करते हैं हमें पता होता है कि हाँ भाई यहाँ पर क्या करना है तो वो दो दिन बहती हैं नहीं हो पाजी वाला नहीं हो पाजी।
देता है। इंशाल्लाह रोज के रोज आपसे हम इस तरह मुलाकात किया करेंगे, दौरान के हर साल जो चीज़ें जरूरी होती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे और रमजान जान साहब को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।